नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सचिन पायलट की। कांग्रेस में इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूटने का जो तरीका है वो ये है कि कांग्रेस का नेता जब पार्टी छोड़ जाए और अपोजिट पार्टी में शामिल हो जाए तो समझ आता है कि पार्टी बड़ी हार की तरफ चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस के एक और नेता ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम है हिमांशु व्यास और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अमित शाह की मौजूदगी में। साथ ही आपको बता दें, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद सचिन पायलट भी कांग्रेस से अब हाथ धो बैठे। जी हाँ, सचिन पायलट यहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं खुद के मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन यहाँ पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाए कि सचिन पायलट को यहां मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यहां पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जहां कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे, हो सकता है कि यहां एक हवा सचिन पायलट को लग जाए, सचिन पायलट इस्तीफा दे सके और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो सके। बीजेपी इस वक्त गुजरात में कॉन्फिडेंस लगाई बैठी है कि वो ही गुजरात में दोबारा सरकार बनाएगी। हिमांशु व्यास जो कि कांग्रेस के एक्स नेता हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि गुजरात में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी और यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश तो कर रही है लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। तो यहां पर जो है ये नेता जब बीजेपी में शामिल हुए तो लगातार बीजेपी की तारीफ उनते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता ने अब इस्तीफा दिया है, क्या उनके बाद सचिन पायलट अब बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या सचिन पायलट इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते? चलिए बीजेपी में शामिल हो ना हो, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते, ये बात तो कहीं ना कहीं तय होती दिखाई दे रही है। और यहां पर समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा यहां पर हो सकता है कांग्रेस के साथ, क्योंकि अगर सचिन पायलट चले गए तो राजस्थान में कांग्रेस का दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस रिपीट नहीं होती, सचिन पायलट दावा कर रहे थे, लेकिन अगर वही नहीं रहेंगे तो शायद वो दावा भी नहीं रहेगा। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।